मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 48वां एपिसोड होगा। पिछले एपिसोड में मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे प्रभु जी ने मुझसे कहा, लिखित रूप में, मतलब मैं जो कहा का मतलब लिखित रूप में मुझे आया कि अब तेरा मार्गदर्शन हो गया है, इसी पे चलना और पास होना, ईश्वर से माफी मांगो, ईश्वर दया करेंगे और तुझे माफ भी करेंगे। मैं क्योंकि ज्यादा मैंने भाग्य पे बात की थी और अक्सर अपने इन वीडियोस में देखा होगा मैं भाग्य की बात करता रहता हूं, तो ये ठीक है कि सब कुछ भाग्य से होता है, लेकिन ईश्वर बहुत बिरलों को, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि बहुत बिरलों को चुनता है, तो ये चुना गया था। ईश्वर के कार्यों को संपन्न करने के लिए, क्योंकि तुम अति बुद्धिमान हो। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगर ईश्वर के दरबार से आई हुई वो अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का कण हो चुकी है, यानी ईश्वर का रूप हो चुकी है, वो मुझे लिख के भेजे कि तुम अति बुद्धिमान हो और तुझे चुना गया था, बिरले को चुना जाता ईश्वर, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था, इम्तिहान था, ईश्वर किसी बिरले को चुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें थी मेरे लिए। मतलब इनको अगर मैं सही मानों में कहूं, डाइजेस्ट करना ही बड़ा मुश्किल था। मतलब आपको अपने खुद के बारे में हैरानी होने लग जाए कि अच्छा, मैं तो अपने आप को मूर्खी, वो अलग बात है, संसारिक तौर पे सब लोग अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा भी कोई बुद्धिमान नहीं समझता था। ठीक है, ईश्वर कृपा करते हैं, कुछ लिखवा देते हैं, बुलवा देते हैं या करवा देते हैं, लेकिन जैसे लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बने घूम रहे हैं, तो ऐसा आडंबर मैंने कभी किया नहीं है और ना ही कभी ऐसा माना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। तो ये कहने लगे कि बुरे कार्यों से दूर रहना, अपने वचन पे कायम रहना, सब ठीक होगा, सब कुछ मिल जाएगा तुझे। जैसे बार बार कोई पिता उसको जाना हो और वो आपको ताकीद करे कि सबको मां बहन और बेटी कहना बेटा तो और उसके बाद भी मुझे कहने लगे, हमारे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो बहुत ड्रिंक वगैरह करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और उनके ऐसे, अब उनके स्टार जैसे होंगे तो काफ़ी लोगों से संबंध भी रहे हैं, तो मुझे कहने लगे बेटा तू अपने उस मित्र की मदद करने का प्रयास कर रहा है। मैं उसको बड़ा समझाता रहता था और प्रभु जी के बारे में जिक्र करके समझाता था कि तुम यानी ड्रिंक छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, और ये जो तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इनसे बचो, मैं महाराजा से नीचे आ गया हूँ तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी दौलत ये तबाह हो जाएगी। तो ऐसे मैं उसको समझाता रहता, कई बार मैंने उससे झगड़ा भी किया फ़ोन पे। तो मुझे कहने लगे कि तू उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा, अच्छी बात है, कर उसकी मदद, लेकिन दूर रह के उसके निकट मत जाना, और उसको बोलना कि अगर उसने ये मदरा मास और परिस्त्री गमन बंद न किया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। ये मैंने उस मित्र को बताया भी। अब नॉर्मली होता है कि यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, पहले तो इसी बात पे कि ये क्या कहता है यार, इसको कुछ इसको कहीं से संदेश आते हैं, और अगर हम किसे कहें, अभी 3-4 दिन पहले कुछ हमारे यहाँ, मतलब उनको उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत बड़े बड़े दिमाग, वो मेरे पास आए तो ऐसे ही वो मेरे यहाँ देख के बड़े हैरान हो गए कि जंगल में तो आप बैठे हुए, यहाँ के जंगल में मंगल लगाया हुआ आपने, तो इस तरह कुछ बातें कर लें कि आप यहाँ कैसे आके बैठे हुए हैं। तो मैं उनको जरा समझाने लग गया, तो मेरी कोशिश होती है कि ये थोड़ा सा इसको गंभीरता से लें कि इस तरह से मुझे ईश्वर की कृपा हुई है
और मुझे रिटर्न में वहां से मैसेज आने लग गए थे, तो उनकी मैंने कोई खास खास प्रतिक्रिया नहीं देखी। उनको लगा पता नहीं क्या बोल रहा है ये आदमी। बल्कि अगर आप नॉर्मली किसी के पास ये बात करो तो अगला शक करने लगता कि इज ही ऑल राइट, मतलब अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठा है। तो मैं उनके रिएक्शन नोट करता रहा कि मुझे मन, मैं एक्टिंग पढ़ाता रहा हूं, तो हमारा पहला चैप्टर होता है ऑब्जर्वेशन, यू नो हाउ टू रीड ए मैन लाइक ए बुक या मैजिक, इफ होता हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल जेस्चर्स होते हैं, तो ये कई चीजें होती है, ये एक्टिंग थ्योरी है, तुम्हारी सेकंड नेचर बन जाती है। तो मैं उनको देखता रहा, तो ऐसे ही उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने उस दोस्त से कहा कि ऐसे ऐसे मुझे संदेश आते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई है और मालिक के दरबार से मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अपने दोस्त को गाइड कर, उसकी मदद कर, लेकिन दूर से, उसकी संगत से बचना। अच्छा, ये बात सही थी कि ठीक है वो दोस्त है, बहुत प्यार करता था, और लेकिन जब मैं जाता था उसको चाव चढ़ जाता था, तो उसकी इच्छा होती थी कि ड्रिंक की जाए, मतलब उनके लिए सेलिब्रेशन ये था कि ड्रिंक की जाए। तो एक आध बार मैंने कहा मुझे तुम कुछ फ्रेश लाइम वगैरह ला दो या कुछ और ला दो, तुमको कंपनी चाहिए, चेयर्स करके मैं बैठा रहूंगा, नॉनवेज तो मैंने बंद ही कर रखा था कि नहीं खाऊंगा। तो उनको लगा ड्रिंक कर लो भाई, तो कई बार तो देखा वो 12 बजे तक बैठा रहता था कि नहीं आप ड्रिंक नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो उसने कुछ और दोस्तों को बुलाया होता तो वह पार्टी होती, तो कहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं उसके चक्कर में लगा लेता था और ईश्वर से प्रार्थना करके माफी मांग के कि बापू आपको मालूम है मैं नहीं पीना चाहता हूं, लेकिन ये आदमी लगा हुआ है सामने, तो इसकी खुशी के लिए मैं लगा रहा हूं, तो मेरा को मुझे माफ करना है। तो ये 2-4 बार मैंने देखा ऐसा हुआ, तो वहां से संदेश आ गया कि उससे बचना, दूर रहना उससे। अब कहीं ना कहीं मैं ये महसूस भी करता था कि यार जब मैं उसके पास जाता हूं तो ऐसा होता है, तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैंने उसको मिलना बंद कर दिया। कई बार मैं गया चंडीगढ़, लेकिन उसको बिना मिले वापस आ गया या फोन पे बात कर ली और कहा मैं बिजी हूं। अब फिर कहने लगे उसी, ये उसी उत्तर में ही मतलब पैराग्राफ्स बना बना के वो उत्तर लिखते थे। मैं, हम लोग एक फिल्म प्लान कर रहे थे, शहादत ही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत देर से बनाना चाहता था। एक्चुअली उसमें ही मैंने एक रोल करना था, एक फौजी का, एक कैप्टन का जो रिजाइन करके आ जाता है फौज से, तो मुझे ये चेहरा इस तरह चाहिए, मैं नहीं तो मैं दाढ़ी के रखता, जैसे मैंने एक भैये का रोल करना है और एक ये दो मेन रोल हैं, एक दीवान टोडरमल का, ये 2-3 रोल में करके दाढ़ी के रखना चाहता था। तो अब उसके लिए हम लोग कास्टिंग वास्टिंग देखते हैं, ये लॉकडाउन वगैरह तो बाद में लगा है, लेकिन वो 2018 की बात ये कर रहा हूं, तो ये प्लानिंग कर रहे थे कि फिल्म नहीं शुरू करनी है। तो काफी लोगों से हमने बातचीत भी की थी और काफी फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए थे, तो कास्टिंग के प्रोसेस में थे। तो एक लड़की मॉडलिंग भी करती है और वो मेरा ख्याल लुधियाना की है, और वो कुछ एक्टिंग भी करने लग गई थी, बॉम्बे भी गई थी वो। तो उसका कोई वीडियो मेरे पास आया कहीं से, फेसबुक पे था या आई डोंट नो, मैं उसको देखने लग गया। और मेरे दिमाग में था कि उसको मैंने एक बार बात भी की थी कि इसको हम ले सकते हैं, अब वो एक्ट्रेस कैसी है वो देखेंगे। तो किसी सिंगर ने हमको बताया कि भाई वो तो दारू बहुत पीती है और उसका तो बहुत गड़बड़ मामला है, तो मैंने उसे मिलना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ मुझे खबर सुनने को मिली थी उसके बारे में। तो हम लोग कई बार आता है कि भाई आपको मिल ले रही है ढंग की, ये लगभग आसपास ही है, फोटोजेनिक बहुत है, तो इससे काम चला लेंगे, ऐसा कुछ सोच के। तो मैं उसका वीडियो देख रहा था और डॉक्टर रजनी से मैं राय लेने लगता हूँ, प्रभु जी ने कहा था इससे राय लिया करो, तो उससे मैं राय ले रहा था कि इसी को ऑप्शनल रख लेते हैं, एक ही और एक दो और ढूंढते हैं, उनमें से फिर एक को फाइनल कर लेंगे। तो अब ये उनका मैसेज जब आया तो वो तो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब ये बड़ी अद्भुत बात है कि हमको नहीं पता है लेकिन वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं। तो कहने लगे, अब वो अपनी भाषा में बोलते थे कि हम तो फिल्म कहते हैं या वीडियो कहते हैं, तो वो उसको चित्रकारी बोल रहे थे कि तू जिसकी रूपा को चित्रकारी दिखा रहा था उस दिन, तो और उसको उसके बारे में, अच्छा मैं उसके बारे में कह रहा था कि इसके बारे में ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है कि ये गड़बड़ है, तो ड्रिंक वगैरह बहुत करती है और
इंडल्ज होती है रिलेशंस में लोगों के साथ में, तो ठीक नहीं है, तो हम लोग को परेशान ना करे, मतलब इस तरह की बातें हम लोग कर रहे थे। तो लिख के आया प्रभु जी की तरफ से कि जिसकी चित्रकारी तो रूपा को दिखा रहा था और उसको उसके बारे में बता रहा था, वो बिल्कुल सही है, ये भी राक्षस प्रवृत्ति की स्त्री है, इससे बचना, इसको अपनी फिल्म में मत लेना। तो नेचुरली वो तो आउट हो गई, दुष्ट स्त्री है, राक्षस प्रवृत्ति की है, इससे बचना। तो हमने ड्रॉप कर दिया कि उसको नहीं लेंगे। तो एक मित्र के बारे में बताया, एक ये इसके बारे में, यानी जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसके बारे में भी वो हमको गाइड करते थे। एक हमारे मित्र एक बड़े पॉलिटिशियन है, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, तो उनके साथ में उनके मित्र भी हैं, यंग एज से उनके मित्र हैं, उनकी शादी वादी उन्होंने कराई है, तो बेसिकली अच्छे आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं। तो जब उनके पास पावर आई तो ये उनका सारा देखते थे, तो मुझे कहने लगे कि अपने मित्र को बताना, वो नेक आदमी, अच्छा आदमी है जो अमृतसर में रहता है, उसे कहना कि लोगों का भला करे, उसको बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत पुण्य मिलेगा। अब इनसे ये सारी बातें बड़ी क्लियर होती हैं कि जो ये पुण्य पाप है, जो किसी की मदद करनी है, गरीब की मदद करनी है, दया करनी है, ये कहने की बातें नहीं है। जो व्यभिचार करना है, जो शराब पीनी है, जो मीट खाना है, नॉनवेज खाना है, ये कहने की बातें नहीं है। अगर मैं करता था तो मैं डिमोट होते होते कहां आ गया। अगर मेरा मित्र काफी धनवान आदमी, और वाकई उसके बुरे दिन मैंने देखे, और आगे क्या होना ईश्वर जानता है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके मांस मदिरा और व्यभिचार की वजह से, अय्याशी की वजह से इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि और हमने किसी मित्र को दिखाई उसी कुंडली ने, इसने अपना गुरु तबाह कर लिया, गुरु ही था जिसने इसको दिया। और देखिए प्रभु जी मुझे लिख के भेज रहे हैं, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, कि इसके पिता की कमाई थी, और मुझे बताता रहता उसके पिताजी बहुत पाठ जाप करते थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो कहने लगे इसके पिता की कमाई है, जब वो खत्म हो गई तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसने तो मांस खाया है, मदिरा पी है, और अय्याशियां की है, तो क्या बनेगा इसका, इसको समझाना। तो मैंने बड़ी कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन ये बताने का मकसद क्या है कि अगर आप मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं, ये व्यभिचार करते हैं, तो आपका पतन सुनिश्चित है, सूनर और लेटर। इस बार अगर आपके अच्छे कर्म, जैसे मेरे जो अच्छे कर्म थे उन्होंने मेरी मदद की, बचा लिया मुझे, तो अच्छे कर्म भी साथ में मदद करते रहते हैं। तो कुछ लोग कहते रहे ये तो खा पी रहा है, मौज कर रहा है, इसको तो कुछ हो नहीं रहा, नहीं होगा, उसका डैमेज तो हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, यह अलग बात है, हो सकता है इसी जन्म में दिखाई देना शुरू हो जाए, और हो सकता है अगले जन्म में हो, डिमोशन तो सुनिश्चित है, जबकि हम सब लोग प्रमोशन चाहते हैं। तो अब वो लड़की जो कर रही थी, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा था, फिल्म लेने के लिए तो मना कर दिया, मत लेना, और कहा कि ऐसी दुष्ट स्त्रियों से दूर रहना, बच के रहना, जिनके साथ तेरे पहले संबंध रहे हैं उनसे भी दूर रहना, कभी मिलना मत, तेरे कर्म खराब होंगे, तेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो इतना ज्यादा अलर्ट और सतर्क हो गया। अब इस लाइन में रहते हुए आप लोगों से मिले ना, बात ना करें, यह भी संभव नहीं है। इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। जब मैंने एक ऐसी सिचुएशन आई तो प्रभु जी ने मना कर दिया, तो मैंने फिर प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने उसका जो विकल्प बताया वो भी बड़ा कमाल ही था। देखिए जब आपने सत्य की राह पे चलना है, जब आपने सदाचारी राह पे चलना है, तो वहां किंतु परंतु वाला मामला नहीं है, मिक्स एंड मैच वाला मामला नहीं, कितना ये छोड़ देते इतना कर लेते, ना 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 ना, वहां हाँ या ना है, यस और नो, ये इस तरफ या उस तरफ, आप उसमें बीच के रास्ते अगर निकालेंगे तो नहीं, मतलब आप जैसे चोरी की बात हम करते हैं कि चोरी एक पैसे की भी है और 100 करोड़ की भी है, तो वहां इफ बट वाला कोई मामला नहीं है, वहां तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है। तो इस तरह से इससे भी आप लाभ ले सकते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने पहले भी, आज भी वो भाई साहब पूछ रहे थे
यूके से, तो मैंने उनसे कहा कि आप गुरुद्वारे में जाके जो लोग दारू पीने की आदत नहीं छूट रही है, गुरु ग्रंथ साहब से, गुरु ग्रंथ साहब शब्द रूप में ईश्वर है, अकाल पुरुष है, दिल से जाके प्रार्थना करिए, नाक रगड़ के माफी मांगिए, सरेंडर करिए और कहिए बापू मेरी ये दारू पीने की मांस की खाने की आदत छुड़वा दो बापू, मैं आपकी शरण में आया हूं, और मैं कोई मन्नत मांग ले कि मैं यहां प्रसाद चढ़ाऊंगा या लंगर में इतना कुछ दान दूंगा, मेरी दारू छुड़ा दो बापू। गुरु रामदास जी महाराज से प्रार्थना करें ईश्वर से, वो बड़े दयालु हैं। और फिर जब आपने पीनी हो तो तीन बार ड्रिंक लेने से पहले आपने एक ड्रिंक बनाया, आप तीन पीते हैं, चार पीते, जो भी पीते हैं ड्रिंक बनाया, और आप कहें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, ये मैं नहीं पी रहा हूं, ये आप पी रहे हैं। तीन बार कहना, हे ईश्वर ये मैं नहीं पी रहा हूं, आप पी रहे हैं, हे ईश्वर ये मैं नहीं, आप पी रहे हैं, पीजिए। अब मैंने उनको आज ये कहा, देखिए अगर उनका रिस्पॉन्स आएगा, बाद में रिजल्ट आएगा तो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो जिनके घर में दिक्कत है ये करें, अगर पति कहने को तैयार नहीं तो पत्नी को चाहिए कि वो उनके सामने ड्रिंक बना के रखे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे हरि, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिस भी आप जिस नाम से उसको जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जानते हैं, वही नाम लेके कहें कि ये मेरा पति नहीं पी रहा है, मेरा भाई, मेरा पिता नहीं पी रहा है, या पी रहे हैं। तीन बार कहिए, उनको दीजिए ड्रिंक, उसका असर देखिएगा, ये टेस्टेड है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि अगर आप मदिरा पान करते हैं, तो मुझे तो उन्होंने एक एक स्टेप पे एक एक चीज क्लियर कट करके बताई और गाइड किया, और मैंने माना, स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटा मैंने जो कुछ भी तुझे बताया ये तेरे भले के लिए था क्योंकि देखिए उनमें दया है, क्योंकि उनको मालूम था कि जब उन्होंने मुझे महाराजा कहकर संबोधित करना शुरू किया और लिखा कई बार कि मैं तुझसे निराश हूं, तो समझ लीजिए छुरियां चली थी कलेजे में बहुत ही मतलब चीरती हुई जाती थी उनकी ये बात कि अरे महाराजा तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं तुझसे निराश हूं महाराजा, ये शब्द चीरते हुए जाते थे मुझे। तो उनको मालूम था कि मुझे कितनी पीड़ा हुई, कितनी तकलीफ हुई, कितना कष्ट हुआ, तो तब मलहम भी लगाई, मरहम लगाई उन्होंने कि बेटा जो कुछ मैंने तुझे बताया ये तेरे भले के लिए बताया है, जो बंदिशें लगाई तेरे भले के लिए लगाई हैं। तो इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में कहा कि मेरा कायाकल्प हो गया, मेरा जीवन बदल गया, और मैं चाहता हूं कि सबका जीवन बदले। ये परम सत्य है जो मेरे जीवन में घटा, और ये उन सब का सौभाग्य है कि मुझे वहां से आज्ञा मिली। देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं वो तमाम जो संदेश मुझे आए मैं दिखाना चाहता था, क्यों किसी को यकीन नहीं आता कि देखो भाई लिखित रूप में आए मेरे पास, जिस रूप में आए शायद उनके स्क्रीनशॉट पड़े हों, तो वो स्क्रीनशॉट एक एक दिखाता मैं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि मैं जलवा देख चुका हूं कि जो उन्होंने कह दिया वो परम सत्य है, वो घटता है, उनके वचन और घट गया। तो प्रमाण देखने के बाद में मुझे यकीन आ गया, इसलिए जो भी बातें उन्होंने मुझे लिखित रूप में उस ईश्वर के दरबार से, अल्लाह के मालिक के दरबार से आई, वही बातें मुझे आज्ञा मिली तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये जो नए लोग आए हैं उनको भी थोड़ा इसका आइडिया हो, मैं इसलिए कह रहा हूं। जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे एक एपिसोड देख के, उनको पीछे कुछ मालूम नहीं था, वो गालियां देनी शुरू कर दी थी तो जो नए लोग हैं, तो भाई ये सारा घटा है मेरे जीवन में, तो मेरे अनुभव से आप लाभ उठाएं, मुझे आए हुए संदेशों से आप लाभ उठाएं, अपना जीवन बदलें, अपने आप से संघर्ष करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, माफी मांगे, मदद मांगे, देखिए कैसे जीवन बदलता है, कैसे कायाकल्प होता है, उसकी शरण में जाएं। शरण में कैसे जाना, एक तो गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, और एक उसका नाम जपने लग गए, सुनने लग गए, चलते फिरते आते जाते आप मन में दोहराने लग गए, सुबह शाम उठ के पाठ करने लग गए, काम करते हुए मन में दोहराने लग गए, वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, जो आपको अच्छा लगता है एक ओंकार ये करते, अल्लाह हू अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु, हरिओम तत्सत, गॉड इज ग्रेट, जो भी है। तो ऐसे उससे रिश्ता बनाए, जुड़े, वो जो रिश्ता कमजोर पड़ गया, जो टूट गया है, उसको दोबारा से रिवाइव करें, बाहरें आ जाएंगी, क्योंकि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड की एनर्जी का स्रोत वो मालिक है, वो हरि है, सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मांड की, सबसे बड़ी एनर्जी है, और जब आप उससे कनेक्ट हो गए तो आप भी चार्ज हो जाएंगे, खिल जाएंगे मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता है, इतने चार्ज हो जाएंगे आप कि बयान नहीं कर पाएंगे, सारे फिक्र, सारी चिंताएं, सारे दुख, कष्ट, क्लेश भाग जाएंगे, और अगर वो रहे भी तो महसूस नहीं होंगे। मैं बार बार ये कहता रहता हूं
ऐसा सहारा मिल जाएगा आपको ईश्वर के नाम का, अल्लाह के, वाहेगुरु के, गॉड के नाम का। तो अगर किसी के मन में कोई संदेह है तो उसे निकालिए। मैंने कहा था हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू करेंगे। मैंने डॉक्टर रजनी से कई बार कहा कि वो मेरे साथ आए, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि वो उनको देखना चाहते हैं, कुछ लोगों ने उनके बारे में सवाल भी पूछे कि जन्म में वो कौन है। तो मैंने कहा जरा सब्र करें, आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे, वहां भी आएंगे कि वो कौन है कि वो कौन है इस जन्म में, और कुछ लोगों ने मुझे वो कैसे मिली वो सब बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखें, वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे आएंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो जो क्वेश्चन आंसर जो लोग पूछते हैं तो आप क्वेश्चन मुझे पढ़ के सुना दिया करें, और मैं तो आना नहीं चाह रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कुछ दिनों में वो राजी हो जाएंगी तो उनको लाऊंगा। अदरवाइज उससे पहले ही जो कुछ क्वेश्चन है शायद मैं लूंगा और आप लोगों को उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा जो मुझे वहां से जवाब आएगा। हो सकता है उससे कुछ लोगों को लाभ हो। कोशिश ये है कि आपको लाभ हो, क्योंकि आपको लाभ होगा तो मुझे लाभ होगा, आपका भला होगा तो मेरा भला होगा। ये इटर्नल लॉ है उस कुदरत का, उस मालिक का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस गॉड, उस वाहेगुरु का। ये इटर्नल सिस्टम है, उसका लॉ है। मैं किसी का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकता हूं। मुझे अपना भला करना है तो मुझे किसी और का भला करना होगा। ये मजबूरी है भाई ये मजबूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोगों का भला करना जितना कर सको, और भले में सबसे बड़ा भला महापुण्य कमाने का तरीका, ये जो वीडियोस बना बना के डालता रहता हूं, इससे जोड़ो। आप जोड़ोगे, क्या पता जैसे लोग जोड़ रहे हैं तो कोई जुड़ गया, उसके पिछले कर्म अच्छे होंगे, आपको माध्यम बना के जोड़ लिया ईश्वर ने उसको, तो महापुण्य आपको भी मिलेगा। आपके जो नंबर कम पड़ रहे हैं पूरे हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा, वैराग्य बनने लग जाएगा, चार्ज हो जाएंगे, एनर्जी एनर्जी होगी, बेफिक्री, बेपरवाही, बेमोहताजी, रोग बीमारियां परेशानियां चिंताएं छोड़ के भाग जाएंगी, छलांगे मार जाएंगी, और अगर होंगी भी तो महसूस नहीं होगी परवाह नहीं होगी उनकी, घूमती रहे क्या फर्क पड़ता है। वो जिसका सब है और जिसके हम हैं, जब हम उसके हो गए और हमारा हो गया तो फिर बाकी क्या रह गया। बस तरीका यही है, जपना है और सुनना है। गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक, अल्टीमेट टेक्निक है ये। बहुत सारे लोग सारा जीवन जपते रहे कुछ बना नहीं। जब जो जपना और सुनना शुरू कर दिया, कायाकल्प हो गया थोड़ी सी देर में। तो कोशिश करिएगा। जो लोग कर रहे हैं मैं उनका आभारी हूं, उनका ऋणी हूं। जो लोग अभी सोच रहे हैं वो शुरू कर दें, टाइम वेस्ट मत करें, योजनाएं इतनी ज्यादा मत बनाएं, और दूसरों को जोड़ें जितने लोगों को जोड़ सकते हो, ताकि हमारा दायरा बढ़े, हमारे बाग लगे, और पुण्य की इतनी महापुण्य की फसल आनी शुरू हो जाए कि हम लोग संभाल ना पाए एक अजीब दीवानगी का आलम हो, एक अजीब दीवानगी का, मस्ती का आलम हो, होगा महापुण्य कमाने से। शुरुआत जपना और सुनना है, दूसरों को भी लगाना है, रात को रिपीट पे लगा के सुनना है, माफी मांगनी है, धन्यवाद करना है, कान में लगा के सुनना, आंखें बंद करके सुनना है। रात को बहुत जरूरी है रिपीट पे लगाना, मैं बार बार कहता रहता हूं फिर भी सब लोग कर नहीं पा रहे हैं। sikhfilm.com पे जाइए, sikhfilm.com पे डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करिए, शब्द मिल जाएंगे, फोल्डर बने हुए हैं, अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उनको रिपीट पे लगा के हल्के वॉल्यूम पे सो जाया करें। आपका अचेतन सुनेगा, जो रात को आपको सपने दिखाता है, सांसें चलाता है, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता, उसी को सुनाना है। ये मैसेज भी मुझे वहीं से आया हुआ है, मेरा नहीं है, इसलिए इसने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, आपका भी बदल जाएगा। दिन में टाइम नहीं मिलता, आप लोग अब्रॉड रहते हैं, वहां भागदौड़, सुबह गए शाम को आए। इवन जो लोग दारू नहीं छोड़ पा रहे हैं वो अपने ड्रिंक कर ले, ड्रिंक लगा के आप सोने लगे, ये शब्द लगा के सो जाएं। क्योंकि कई बार मैं कहा करता हूं कि उसके बिना कुछ है नहीं, क्या शराब की एग्जिस्टेंस उसके बिना थोड़ी है, सब कुछ तो उसके होने से है, तो उसकी चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना, उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो छूट जाएगी, सोते सोते भी छूट जाएगी। रात को लगा के लेट गए, 6-7 घंटे सोए, अचेतन ने सुना, मामला तो अचेतन का है ना सारा, तो आपको पता नहीं चलेगा कब छूट जाएगी, मन ही नहीं करेगा। और क्या क्या फायदे होंगे, लाभ होंगे, आप सोच नहीं सकते हो। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, करे ये भी होगा, ये भी हो गया, वो भी हो गया, लेकिन पेशेंस के साथ में, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, जल्दबाजी नहीं करनी है।
जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है, आपका भी निश्चित रूप से कायाकल्प होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई और आप सब लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इससे भरपूर लाभ लेने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार, धन रंकार। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।